एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका में अब पर्यटक भी अंदर आकर इसे देख सकते हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हेरिटेज वॉक नाम से जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 100 साल से ज़्यादा पुरानी इस इमारत को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पुरानी नक्काशी है, कलाकारी है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है और महाराष्ट्र से जुड़ी सभ्यता जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ब्लैक कलर के बहुत सारे पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं, उनकी जो पगड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कितनी तरह की पगड़ियाँ पहनी जाती हैं वो हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल बनाए गए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि BC लिखा हुआ है। BC ये सोने से इसे बनाया गया है। BC यानी बॉम्बे कम्युनिटी नाम से इसको हम देख सकते हैं। इस तरह से ये लकड़ी के जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी घर में एक छज्जा होता है जहाँ पर कोई आ करके जो है देख सकता है, वो पूरा लकड़ी से बनाया गया और किस तरह से यहाँ नक्काशियाँ की गई हैं। जिस मुंबई महानगर पालिका में यहाँ का पूरा प्रशासनिक काम विभाग काम करता है, अब वो यहाँ पर आने वाले मुंबई में आने वाले पर्यटकों के लिए भी खोला जाएगा और इसकी शुरुआत जो है आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस तरह से अब जो भी पर्यटक मुंबई में आएंगे वो मुंबई महानगर पालिका की जो इमारत है, जो हेरिटेज है एक, उसको देख सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं। तो अभी किस तरह से लोग आएंगे, क्या यहाँ पर आने की नियम कानून होंगे, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन हेरिटेज वॉक नाम से इस प्रोग्राम की आज से शुरुआत की गई है और यहाँ पर अब मुंबई आने वाले पर्यटक आकर देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका जो ब्रिटिश कालीन है, 100 साल पुरानी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो नक्काशियाँ इसको जो बनाने की जो कलाएँ हैं वो सब यहाँ पर आकर देख सकते हैं, जिसकी आज हेरिटेज वॉक नाम से शुरुआत की गई है। कैमरामैन अनूप के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।